वेलकम बैक टू माय चैनल होम गार्डनिंग एंड आइडियाज़। आज हम बात करते हैं एक ऐसे प्लांट के बारे में जो कि हमारे गमलों में एक खरपतवार के रूप में उगाता है और हम उसको उखाड़कर फेंक देते हैं। लेकिन अब जो मैं आपको इन्फॉर्मेशन दूंगी इस प्लांट के बारे में, उसके बाद आप इसको उखाड़कर नहीं फेंकेंगे। मैं बात कर रही हूँ ये जो इस तरह का प्लांट है, ये तीन पत्तियों वाला प्लांट, इसके बारे में। यदि आप लोग जानते होंगे तो आप समझ गए होंगे मैं बात कर रही हूँ चांगेरी के बारे में। ये देखिए, ये चांगेरी जो कि मेरे इसमें पुदीना के प्लांट में उग के आया है। ये लगभग हर प्लांट में के साथ में उगाता है और इसको मैं पहले उखाड़ के फेंक देती थी, लेकिन जब मुझे इसके बेनिफिट के बारे में पता चला तो मैंने इसको लगे रहने दिया। पूरे गमलों में नहीं तो कम से कम आप एक या दो गमलों में इसको लगा कर ज़रूर रखें, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा मेडिसिनल यूज़ वाला प्लांट है और इसके काफ़ी यूज़ होते हैं। इसमें येलो कलर के फूल लगते हैं और इंग्लिश में इसको इंडियन सोरेल भी बोलते हैं, तीन पत्ती भी बोला जाता है देसी भाषा में। ये टेस्ट में थोड़ा खट्टा होता है। इसमें कैल्शियम और भी ज़्यादा न्यूट्रिएंट्स, विटामिन सी सारे पाए जाते हैं, तो ये काफ़ी फ़ायदेमंद है हेल्थ बेनिफिट्स के हिसाब से। ये मेरे दूसरे गमले में भी लगी हुई है। यदि बात करें इसके यूज़ की तो यह स्किन डिसीज़ में काफ़ी यूज़फुल है। इसको आप मस्से हो जाते हैं तो इन पत्तियों को पेस्ट करके और उनका रस आप दिन में दो बार लगाएं, धीरे धीरे वो मस्से जो हैं वो गिर जाएंगे, सूख जाएंगे। तो इसमें स्किन डिसीज़, फोड़े फुंसी में भी इसका यूज़ होता है। इसके अलावा इसका डाइजेशन में भी हम सही करने में, डाइजेशन ठीक करने के लिए भी यूज़ करते हैं। और इसकी जो नेचर है, जिसे हम तासीर बोलते हैं, वो ठंडी होती है, तो इसका यूज़ जब पत्तियों का यूज़ करते हैं तो काली मिर्च के साथ करना चाहिए। तो पाइल्स में भी यूज़फुल है ये चंगेरी। तो इसके काफ़ी हेल्थ बेनिफिट्स हैं और इसकी चटनी भी बनाई जाती है, सब्जी बनाई जाती है, जो कि बहुत लोगों को पता नहीं होगा। और आप इसको टेस्ट करेंगे तो इमली जैसा इसका खट्टा प्लांट, जिसके बारे में मैंने थोड़ी सी इन्फॉर्मेशन आपके साथ शेयर करी, तो आप भी इसको लगा रहने दें और इसका यूज़ करें। थैंक यू।